दोस्तों एक भाई का कमेंट मिला है कि कंपनी का वीजा कब ओपन होगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपनी का वीजा आपको कैसे मिल सकता है, कैसे फ्री में मिल सकता है, कितना टाइम पे मिलेगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, चैनल को मेरी बाहर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कंपनी का वीजा, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया कि अगर आपको कुवैत में आना है तो कंपनी का वीजा में आइए। कंपनी का वीजा में कॉन्ट्रैक्ट रहता है 2 साल 3 साल का, खत्म कीजिए, उसके बाद अपना मनपसंद का काम ढूंढ के वहां पे अपना वीजा को ट्रांसफर कीजिए। तो अभी सवाल ये आ रहा है कि कंपनी का वीजा कैसे मिलेगा, कैसे फ्री में मिल सकता है, कब ओपन होगा या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी का जो वीजा है कुवैत में इंडियंस के लिए, कुवैत में नॉट ओनली कंपनी, कुवैत में जो वीजा है वर्क वीजा इंडियंस के लिए खुला हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है, ये ओपन है। अभी रही बात कैसे आपको मिलेगा, तो आज का वीडियो बनाने का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आपको कंपनी का वीजा फ्री में मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं आगे बताता रहूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि वीजा कैसे मिलता है, कंपनी का जो वीजा होता है कुवैत का कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है। देखिए जब भी कोई कंपनी कुवैत में हायर करता है, लेबर हो, कुछ भी हो, वर्कर बोलो, आप जो भी बोलो, काम के लिए जब भी किसी को हायर करता है तो कैसे करता है, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले कंपनी में यह देखा जाता है कि जो बंदे लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई जानने वाला है या नहीं है इस काम के लायक, अगर है तो उनके द्वारा ही वीजा दे दिया जाता है, नहीं तो कंपनी जो लाइसेंस होल्डर एजेंसी है उनको बोलते हैं कि मेरे को इस काम के लिए इतना बंदे लोग चाहिए। लाइसेंस होल्डर एजेंसी इंडिया में है, लाइसेंस होल्डर एजेंसी, तो कंपनी उनको बोलते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा लोग चाहिए, मेरे पास इस काम के लिए वैकेंसीज है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जो भी है अपने बंदे लोगों को या अपना ऑफिस में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हमें ऐसा लोग चाहिए इस काम के लिए इस कंपनी में। कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि सैलरी क्या रहेगा, कितना आवर्स का ड्यूटी रहेगा, ओवर टाइम रहेगा या नहीं, जो भी है फुल डिटेल्स बताया जाता है एजेंसीज को। तो एजेंसी अपना हिसाब से देखते हैं, कंपनी द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है, बाय वीडियो कॉल हो या कोई बंदा उधर जाके इंटरव्यू लेते हैं, नहीं तो फोन पे हो जाता है, या एजेंसी को अगर ट्रस्टेड कंपनी अगर एजेंसी को ट्रस्ट करते हैं तो एजेंसी द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, आपको बताया जाता है, पूरा डिटेल्स ऑफर लेटर में ही रहता है, आपका सैलरी वगैरह सब कुछ रहता है। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट कॉपी देते हो, फिर यहाँ से वीजा इशू होता है, आपको वीजा मिलता है, मेडिकल वगैरह करते हो, फिर कुवैत में आते हो। ये प्रोसेस है, कंपनी ऐसे हायर करते हैं लोगों को, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट कंपनी नहीं जानता है, अगर उसको इस काम के लिए बंदा चाहिए कंपनी को तो आप इस काम के लायक हो कंपनी को कैसे पता चलेगा, कंपनी को मालूम ही नहीं है कौन कहाँ पे किस काम पे है, कैसे ढूंढेगा एक एक करके, इसलिए एजेंसी के थ्रू जाते हैं। तो आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्टेड एजेंसी, लाइसेंस होल्डर एजेंसी बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, फ्रॉड एजेंट लोग मिल जाएंगे, फ्रॉड है आपको, आपसे पैसा ले लिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना है कि वो एजेंसी रियल है या नहीं है, वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, इस बात पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान रख के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजेंसी के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी रही बात फ्री में कैसे मिलेगा, देखिए फ्री में मिलने का एक ही चांसेस है। देखिए फ्री में जो भी कंपनी हायर करता है कुवैत से, कंपनी फ्री में ही वीजा देता है, कंपनी का तरफ से फ्री में ही दिया जाता है वीजा, फ्री में दिया जाता है वीजा के लिए कंपनी कभी भी पैसा लेते हुए मैंने नहीं देखा आज तक या नहीं सुना। लेकिन हाँ, आप लोग जो अमाउंट पे करते हो उस एजेंसी को पे करते हो या एजेंट को पे करते हो जिसके द्वारा आप आ रहे हो, लेकिन वो लोग भी बहुत ही कम चार्ज करते हैं कंपनी का वीजा में, बहुत ही कम, एकदम मिनिमम चार्ज करते हैं। आप लोगों को पता है वो बंदा आपको दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो लेगा, थोड़ा बहुत, अगर फ्री में दे दिया तो उसका बड़प्पन है, वो फ्री में आपको दे दिया, नहीं तो थोड़ा बहुत चार्ज किया जाता है आपसे। बाकी आपका जो मेडिकल वगैरह होता है उसका खर्चा तो आपसे चार्ज किया जाएगा क्योंकि वो पे करना पड़ता है हॉस्पिटल में, लेकिन बहुत ही कम पैसा में होता है। अगर कंपनी वीजा फ्री देता है तो आप लोग आइडिया लगा लीजिए कितना तक हम लोग दे सकते हैं। अगर कोई आपसे ज्यादा मांग रहा है तो आप मत दीजिए, दूसरा जगह में ट्राई कीजिए। अभी रही बात टोटली फ्री में कैसे मिलेगा, देखिए फ्री में मिलने का एक ही चांस है, अगर आपका कोई भी जानने वाला दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव कोई भी कुवैत में है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, आसपास गांव से हो या किधर
आस पास से आप जान पहचान का अगर हो जाएगा तो आप उनसे बोल के रखें कि मेरे को कुवैत में जाना है, इस काम के लिए जाना है, आपके पास कोई भी ऐसा मौका आता है तो मेरे को चांस दीजिए, एक वीज़ा दीजिए। तो इसमें क्या होता है, अगर आप बोल के रखेंगे उनको, तो देखिए यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जैसे मैं, मेरा भी दोस्त वगैरह लोग दूसरा कंपनीज में काम करते हैं, आज मेरा कंपनी में अगर कोई वैकेंसी है तो मेरे को पता चलेगा तो मैं किसी को दे सकता हूँ, या मेरा दोस्त लोग का कंपनी में किसी को वैकेंसी मिलेगा तो वो लोग मेरे को बताएंगे तो मेरे को पता चलेगा, हाँ मेरे को एक बंदा ने बताया था ऐसा 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 करके। इसलिए जान पहचान का अगर कोई भी है तो उनसे बात करके रखें। अगर उनसे आपको मिलेगा तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि उनको कंपनी से वीज़ा मिलेगा। कंपनी से जब भी वीज़ा मिलता है, फ्री में मिलता है, तो आपको भी वो फ्री में दे देंगे, आपको फ्री में वीज़ा मिल जाएगा। यही एक तरीका है, सबसे अच्छा। दूसरा है लिंक्डइन में जाइए, मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाया है उसका ऊपर, वहाँ पर जाके अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से भी अगर आपका हायरिंग हो जाएगा तो कंपनी का तरफ से आपको फ्री में वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा वीडियोज़ बहुत सारा है मेरा चैनल पे, आप लोग जाके विजिट कीजिए, देखिए, आप लोगों को वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़रूर मिलेगा। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू सो मच।